अभियान में हम लोग अपने नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के चरित्र का बखान करने के लिए समाज में हर दरवाजे पर जाने वाले हैं। भारत की राजनीति इस समय 200 रुपए बट गई है, एक तरफ रोटी और लंगोटी वाले हैं, दूसरी तरफ बोटी और बोतल वाले। तो बोटी और बोतल वालों की राजनीति विपक्ष की है और रोटी और लंगोटी की राजनीति करने वाले हम लोग। हमारे नेता चित्र और चरित्र की लड़ाई चल रही है, एक तरफ केवल चित्र है। ये कौन है? तो राहुल गांधी जी नेहरू जी परिवार के। ये कौन है? तो मुलायम सिंह यादव जी के चित्र हैं। ये कौन है? तो एक तरफ चित्र है और दूसरी तरफ मोदी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चरित्र है। तो चित्र और चरित्र की लड़ाई है, एक तरफ रोटी और लंगोटी है, दूसरी तरफ बोटी और बोतल है। यहाँ भी सुने हैं कि कोई कोई बसपा का प्रत्याशी कोई अंसारी है, उसकी दूसरी बीबी भी चुनाव में शायद कूदी है। अभी तो दूसरी आरोप लगा रही है हमको हिस्सेदारी नहीं, हिस्सेदारी का वो देखिए वो तो नारी को पशु समझते हैं सब, तो वो तो जानते हैं पशुता का शिकार है सब। तो वो कहूँ मंसारी सब कल्पना कीजिए कि दो नारी तीन नारी रखने वाला पशु नहीं तो इंसान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग जो इंसान और इंसानियत को भी तिलांजलि दे देते हैं वो समाज की रक्षा नहीं कर सकते। तो मायावती जी को ऐसे ही सब प्रत्याशी मिलते हैं और मऊ का लोकसभा का जो प्रत्याशी वही हालत है। देखिए मऊ का जो प्रत्याशी जीता हुआ सांसद है वो जेल में है उसी समारोह में, और दूसरा खड़ा कर दी, फिर मायावती खड़ा कर दी जो है कोई मंसारी की, उसकी दूसरी बीबी खड़ी है, तीसरी बीबी हो सकता है कि वोट मांगने के लिए उसके विरोध में खड़ा हो जाए।